हेलो स्टूडेंट्स, गुजरात बोर्ड का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। 82% जो है वो रिजल्ट आया है और ग्रेसिंग भी अच्छे खासे मार्क्स का बहुत सारे बच्चों को मिला है। ओवरऑल रिजल्ट जो है वो इस साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल 20% रिजल्ट जो है वो ज़्यादा है। ओवरऑल रिजल्ट 20,000 बच्चों के आसपास जो हैं वो फेल हुए हैं या फिर दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रिजल्ट, उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब आज रिजल्ट आया है, ठीक है, गुडसेट का रिजल्ट भी आ गया है, बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है, तो आपका ACPC का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। जिनका बायो है उनके लिए BSC के अंदर अब फॉर्म्स फिल होना अब स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से। फिर आपका नीट का एग्ज़ाम बस हो ही गया है, तो नीट का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है जून में, तो जून में जैसे ही रिज़ल्ट आता है आप उसके लिए भी आगे प्रोसेस कर सकते हो। पर जिनको कॉन्फिडेंस ना हो, देखो मैं दोनों ग्रुप की बात कर देता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स ग्रुप की, तो मैथ्स ग्रुप के लिए आपका ACPC का रजिस्ट्रेशन हो चुका है बराबर। अब उसके बाद बात करते हैं बायो की, तो बायो वाले जो बच्चे BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, अलग अलग ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उनके फॉर्म इस वीक में बाहर आएंगे और वो फॉर्म्स का नोटिफिकेशन आएगा। बात करें MBBS की, तो ऑब्वियसली नीट का रिजल्ट जो है उसके लिए वेट करना है हमें, और रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आगे एडमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अब ये पूछ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे और कहीं ना कहीं मैसेज में कि सर इम्प्रूवमेंट एग्जाम का क्या करें हम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी कुछ भी नहीं आया है, जस्ट आज जो है रिजल्ट रिलीज हुआ है। तो कल जो नोटिफिकेशन आया था कि आज रिजल्ट है, उस नोटिफिकेशन में गुजरात बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है कि रिजल्ट आएगा उसके 2-4 दिन के अंदर। जून का जो एग्जाम है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है जून के एग्जाम को लेकर, पर वो फिक्स है कि जून में एग्जाम होने वाली है। और अगर आप पास हो, अगर आप 12th बोर्ड में आज का जो रिजल्ट आया उसमें पास हो, फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप 1 में फेल हो, 2 में फेल हो, 3 में, 4 में, 5 में फेल हो, सभी थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो भी जून के अंदर आप एग्जाम दे सकते हो। प्रैक्टिकल में फेल हो तो एग्जाम नहीं दे सकते हो, पर थ्योरी में फेल हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। ये बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। तो फेल हो आप 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट में, चिंता मत करो, जून में एग्जाम आएगी। फिर से बोल रहा हूं, कोई अपडेट अभी नहीं आया है कि फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब है, सबमिशन कब करना है, वो कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है। वो अपडेट जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। पर अगर आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है तो अभी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आज 9th मई हुआ है, 20 जून के पहले आपकी एग्जाम वो हो जाने वाली है। तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीना या 1.25 महीने का टाइम है, उसके अंदर आपका एग्जाम आने वाला है। तो फेल हो तो एग्जाम देनी है तो शुरू कर दो प्रिपरेशन, फेल हो तो एग्जाम तो देनी ही है वो तो कंफर्म है, पास हो और इम्प्रूवमेंट एग्जाम देनी है तो भी तैयारी चालू कर दो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का एडवांस का, JEE एडवांस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, 75% का क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो रहा, उनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देनी है। फिर कुछ लोग फेल हो गए हैं, उनको नीट का एग्जाम देना है, उनको इम्प्रूवमेंट देना है, ठीक है। नीट के लिए क्राइटेरिया ओनली पास का है, अगर आप ग्रेसिंग मार्क्स के साथ भी पास हुए हो तो भी आप नीट के लिए एलिजिबल हो। फिर नीट के अंदर क्या रिजल्ट आता है वो अलग बात है, उससे मेरिट बनेगा। पर इम्प्रूवमेंट एग्जाम, फिर से बोल रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आएगा तुरंत मैं आपको बताऊंगा। पर अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। रिजल्ट कैसा आया है, ओवरऑल रिजल्ट कैसा है, A1 ग्रेड में कितने हैं, ग्रेसिंग कितने मार्क्स का मिला है, वो सब के बारे में मैं फ्री होके तुरंत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। पर ये कुछ क्वेश्चंस थे इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेके, तो मैंने बोला जल्दी से मुझे बता देना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने एक बैच स्टार्ट किया था इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए, आज से मैं फिर से बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपने उसमें एनरोल नहीं किया, आज से आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, मैथ्स और बायो में रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सअप करो आप, मैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करूंगा और उसके लिए कोचिंग भी आपके लिए जूम पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। केमिस्ट्री का बैच मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया जल्दी ज्वाइन करो। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और मैं आपको पेमेंट का गेटवे बताऊंगा, पे करो मुझे फीस और उस बैच के अंदर एडमिशन ले लो। आज से हम केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बैच में एडमिशन नहीं लेना तो भी घर पर खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो आप, ठीक है।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कुछ और भी आपकी क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना, मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा उसका सलूशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।